जहरीली और अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा पर बिक्री पर रोकथाम हेतु झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में मदिरा धारण परिवहन चौरनयन एवं विक्रय के विरुद्ध जिला आबकारी अधिकारी शादाब अहमद सिद्दीकी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर वृत्त आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम देवझिरी में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कालिया पिता मन्ना डामोर के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर देशी एवं विदेशी शराब अवैध शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त शराब की कीमत 82,980 रुपए है। झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट। वृत्त प्रभारी श्री अखिलेश सोलंकी को आज ये मुखबर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम देवझिरी में अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण किया गया है, जिसके पश्चात वृत्त प्रभारी श्री रमेश सिसोदिया और श्री सोलंकी की संयुक्त टीम के द्वारा, इनके मैदानी अमले के द्वारा ग्राम देवझिरी में गश्त और तफ्तीश की कार्रवाई की गई, जिसमें कालिया पिता मुन्ना डामोर को अवैध मदिरा के साथ पाया गया उनके ग्राम देवझिरी निवास में। कुल कितनी मात्रा में शराब जब्त की गई? कुल 259 लगभग 259 वर्ग लीटर की मदिरा है, जिसकी कीमत लगभग 82,000 रुपये है। आपका नाम? मैं डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी हूँ, जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ।